बन्दी को समयमा खाद्यान्न अभाव नहोस् भन्नका लागि राहत वितरण कार्यलाई अगाडि बढाइ सकिएको छ। राहत वितरणका सामग्रीहरू गुणस्तर र स्वस्थ वर्धक पक्कै हुनुपर्दछ, तर त्यही राहतमा गुणस्तरीयता पाइएन भने राहत नै मानवीय रोगको पहिलो शिकार बन्न पुग्दछ। गुणस्तरको नाममा राहत वितरण गरिरहँदा यता महोत्तरीको एक डाँडा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गरिब तथा विपन्नलाई राहतमा वितरण गरेको चामल भने गुणस्तरहीन अर्थात् कुहिएको फेला परेको छ। महोत्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी पप्पु यादवले पठाएको एक रिपोर्ट। को एक डारा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गरिब तथा विपन्नलाई राहतमा बाँडेको चामल कुहिएको फेला परेको छ। लकडाउनको एक महिना भन्दा बढी भएको गरिब तथा विपन्नलाई राहतमा बाँडेको चामल कुहिएको फेला परेको हुन्। एकडाँडा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 केही विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको चामल ढुन्सी परेको तथा कुहिएको भेटिएको एकडाँडा गाउँपालिकाका उपप्रमुखमा पराजित भएको निर्मला यादवले बताउनुभयो। अपनेके एकडाँडा गाउँपालिकामे राहत जे वितरण भेलैए तऽ ओहिमे सरल चावल देलकैए, खराब चावल देलकैए। जनता सब एकदम एक तऽ जनता सब एतेक पीड़ित हइ लकडाउनके लेके कि न कमा जा सकै छै, न कुछ कर सकै छै। आ ऊपर से देखियौ एगो राहत भी सरकार देलकै, प्रदेश सरकार 10 लाख रुपया देलकै। ई 10 लाख रुपया कहिया घोषणा कलकै, कहिया गेलै, ओकर अभी तक राहत तो वितरण न भेल रहलै यऽ। ओहूमे कि तऽ वितरण कलकै यऽ तऽ ओ सरल सरल चावल देलकै यऽ। देखियौ जनता सब एते दुखित हइ, फेसबुक सब पर वीडियो बना बना के रखले हइ, चावल सब देखबै छै यहाँ तक कि केहन केहन सरल सरल चावल देवे के हइ। ओहि गाँवपालिका के मतलब अध्यक्ष भेलै, ओकरा सबके तऽ एहन न करे के चाहे, तो पैसा गेले ओकर। आ ऊपर से गाँवपालिका से भी 2 करोड़ सुनै छी कि 2 करोड़ रखले हइ, 10 लाख रुपया प्रदेश से भी भेलै। आ तब मतलब देखियौ कि एहन एहन जनता के साथ ही सब कर रहल हइ। वही जनता से तो अध्यक्ष जीतल हइ, वही जनता से तो बनल हइ गाँवपालिका के अध्यक्ष। आ तब ई जनता के साथ ई काम सब कर रहल हइ, एकदम गलत काम कर रहल हइ। एहि पर अभी भी ऊ सुधार लाबो। आ एक तऽ राहत वितरण मे अभी कते देर एक डारा गाँवपालिका मे भए गेलै, दोसर दोसर गाँवपालिका मे फर्स्ट चरण के होके दोसर चरण के भी कते ठियाँ होबो कलिए, कते होहू वाला है, बटाहू वाला है। लेकिन अ एक डारा गाँवपालिका मे अभी राहत वितरण मे अभी तक राहत वितरण न कैले हे ते लेल। आ जे भी जे वार्ड सब मे कलकै यऽ ओहि वार्ड सब मे एहन एहन चावल खराब चावल देलकै। एक डारा गाँवपालिका मे 6 वार्ड है अपने के, और 2 करोड़ 10 लाख रुपया गाँवपालिका के, 2 करोड़ प्रदेश के, 10 लाख इतना मतलब बजट गेल है। ओहि के अनुसार से अगर देल जाए तो एक एक परिवार के प्रत्येक मेंबर पर मतलब राहत अच्छा खासा देती कि उस सब एक एक महीना गुजर कर सके। लेकिन ओहिमे भी न दे के आ जेहो देलकै से एकदम सरल दे रहल हइ, तऽ एकदम ओ कर रहल हइ। पैसा हइ कोनो घर से तऽ ओ अध्यक्ष के चाहे एक डारा गाँवपालिका के मेयर या मेयर सबके ककरो अपने घर से तऽ न तिरे पड़ै छै। ई गवर्नमेंट के पैसा गेलै, गाँवपालिका के कोष से पैसा निकलल हइ, आ तब ई खराब दे रहल हइ। ओहि पर तऽ जैसे भी हो जनता सब एकदम आक्रोशित हइ एक डारा गाँवपालिका के। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देश नै लकडाउन भएका बेला दैनिक जाला मजदुरी गर्ने तथा विपन्न परिवारलाई सडेको चामल दिएको उनले गुनासो गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले दिएको 10 लाख र गाउँपालिकाका विपद व्यवस्थापन कोषबाट 2 करोड़ मिलाएर राहत वितरण गरिरहेको र त्यसमै यो सडेको चामल नदिनु पर्ने उनले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म अर्को गाउँपालिका र नगरपालिकामा दोस्रो चामलको राहत वितरण भइरहेको, तर एकडाँडा गाउँपालिका पहिलो चरणको राहत वितरण नभएको देखिएको छ। जनताका साथ नराम्रो गरिरहेको जनताकै भोटले जितेको अध्यक्ष र उपप्रमुख जनतालाई धोका दिने काम गरिरहेको उनले गुनासो गर्नुभयो। राहत में भी लेट कर रहा है, तेकरा बाद क्वारंटाइन की व्यवस्था है। एक डारा गाँवपालिका में 6 वार्ड है, एगो वार्ड में हलखोरी में 4 नंबर वार्ड में पड़े छे हलखोरी गाँव, वहाँ खोल है, वो में सुनी छे 5-6 बेड है। वही से केना काम चलते है, ओकरा तो और बढ़ावे पड़ते, और वार्ड सब में खोले पड़ते। वही के लेल अभी इतना 6 वार्ड में एगो वार्ड में खुलल है, वही 4-5 बेड है, वही से काम केना चलते। एके और बढ़ायल जाए, 6 वार्ड में है, कम से कम 4-5 वार्ड में क्वारंटाइन के व्यवस्था कैल जाए। और तेकरा बाद क्वारंटाइन के जे एक डारा गाँवपालिका में बाहर से आ रहा है लोग सब, वो हम सुनली कि बाहर से आ रहा है, कते इंडिया से अलि है, कते बाहर विदेशों से अलि है, ओकरा सब पर गाँवपालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके ध्यान देवे के कि वो सब अलि तो ओकरा पहले चेक कराएल जाए
कि ओकरामे है कि न है निगेटिव या पॉजिटिव, पहले ओकरा क्वारंटाइन में रखल जाए, चेक करायल जाए, एहि सब पर ध्यान न दे रहल है। बहुत कमी कमजोरी अपने के डेरा गाँव पालिका में हम देख रहल है। जनता सब भी बहुत एक मूल्यांकन कर रहल है। अब ऐसे जनता सब पर देखियो, अभी जे है ओकरा साथे साथे जे भी दोसरका इलेक्शन में आवे वाला होती ओकरो सब पर पड़ते। जनता सब तो ये होती कि हम एक बेर जितैली हमरा सबके साथ एहन कैलक, दोबारा बेर बेर जनता सब आक्रोशिते रहते तो आवे वाला जनरेशन पर भी मतलब अथी पड़ते कि केना ये कर रहल है, एहन न करके जल्दी से एक सुधार करे के। और राहत वितरण में जो देर है से कैला देर है, उसब तो मतलब मीडियो में मीडिया अपने सबके मुँह कहे जाके अध्यक्षों से लू अपने सब कि कथी लागी देर है, कोई तो ओकर कारण है कि कारण है से देरी कर रहल है राहत वितरण में। ये लॉकडाउन अब देखो 25-26 गते से कुछ खुलू वाला है, लॉकडाउनो मतलब खत्म हो जाते या राहत न वितरण होते, ये की करे जा रहा है एक गाँव पालिका के मेयर उपमेयर सब वहाँ के अधिकृत सब। एहके लेल अपनहु मीडिया वाला सबको कहे जाके अपने सब सबसे वहाँ इंटरव्यू ले की कारण है, ये लेट के कारण की है से तो लेट हो रहा है। तकर बाद तो हम वही कभी क्वारंटाइन के और व्यवस्था कर जाए वार्ड सब में, और जो बाहर से आ रहे लोग सबके चेक कराएल जाए। तकर बाद कोरोना से केना बचाव होते है? एक डरा गाँव पालिका के जनता सबके ऊपर सबसे बड़का मतलब सोच विचार करे के है कि केना बचाएल जाए जनता सबके। अ कोरोना के टाइम में जनता सब देखियो खाए के बिना मरी छे, तो कोरोना के बावजूद दोसरो बीमारी आ जाए छे, वहू बीमारी से मरी छे। अइ के लेल केना एक डारा गाँव पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वहाँ कथ कहते सबके सोचे के है कि केना जनता एक डारा गाँव पालिका के जनता के बचाएल जाए। अइ में केना दोसरो बीमारी है, केना एम्बुलेंस के व्यवस्था कल जाए, वहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में देखे कि वहाँ डॉक्टर अबै छै कि न अबै छै, पेशेंट सब जाए छै तो डॉक्टर सबके चेक करै छै कि न करै छै, ओहो सब तनका देख करे के है, ओहो सब में सुधार लाबे के है। और जनता सबके बचा के केना अपना एक डारा गाँव पालिका के जनता सबके रखे के है से हम अध्यक्ष से मतलब ये कर रहल छी कि ओहिपर ध्यान देल जाए। एक डारा गाँव पालिका बहुत मतलब पिछड़ल है, सब गाँव पालिका से हम सुनल छी, दोसर दोसर गाँव पालिका सब में फर्स्ट चरण के राहत वितरण होके सेकेंड चरण के भी वितरण कते ठियाँ होइयो गेल है या होहू वाला है, लेकिन एक डारा गाँव पालिका में अभी पहिलको चरण के मतलब वितरण सब वार्ड सब में न भेल है। एकडारा गाउँपालिकामा पूर्ण रूपले लकडाउनको पालना भइरहेको र पसल बजार कल कारखाना र सीमा नाकामा कडाई गरिएको उहाँको भनाइ थियो। यस गाउँपालिकामा 6 वडा रहेको सबै वडामा मिलाएर 6000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको जानकारी दिनुभयो। एकडारा गाउँपालिकाका हलखोरी गाउँमा 15 बेडको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। एक महिना अघि 51 जना भारत र अन्य देशबाट आउनेको लिस्ट राखेको उहाँको भनाइ थियो। चामल सडेको कारण अमिलो गन्ध आएको राहत पाउने स्थानीयहरूले बताउनुभयो। राहतमा कुहिएको चामल दिएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब विपन्नलाई दिनुपर्ने राहतका लागि मनपरी ढङ्गले सूची तयार गरेपछि महिलाहरूले बताए जब दिए के रहिए तो कनिको दीती तो निमन दीती जनता खेत आ जेहन न दिलकी जे सोकादे न होती तो लक कथी होती चार हो जो दल के पति चार जो दल के एक नंबर चार निकालो वैया से एगो पटा खोल के नहीं बोला आपके चार दो आ तरकारी तुम कहते पैसा आले तो तरकारी का तो पैसा दो। राहत वितरण में अध्यक्ष शाहले अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गर्न खोजेको पनि दलित महिलाहरूले आरोप लगाएका छन् भने जनप्रतिनिधिहरूलाई पारदर्शी ढंगले राहत वितरण गर्न माग गरेका हुन्। राहतमा पाएको चामल कुहिएको पाएपछि स्थानीयले वडा कार्यालयमा फिर्ता गरिदिएका छन्। बोर्ड बैठकद्वारा प्रत्येक परिवारलाई 25 किलो चामल, दाल 3 किलो, आलु 3 किलो, नुन 1 किलो, खानेतेल 1 लिटर र साबुन 4 थानको सहित प्याकेज बनाएर वितरण गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहले बताएको थियो। एरिना टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट क्यामेरामा आकाश झाको साथमा संवाददाता पप्पू अधिकारीको एक रिपोर्ट।